चुनाव आयोग ने एक आज बड़ी कार्रवाई की, कई प्रदेशों के कई बड़े अधिकारियों के ऊपर गाज गिरा दी। चुनाव आयोग ने आम चुनाव के ठीक पहले ऐसा काम किया है जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है, खासकर बंगाल में, जहां पर ममता बनर्जी के करीबी और बेहद खास डीजीपी राजीव कुमार का पत्ता साफ कर दिया है। उनकी जगह में नए डीजीपी की तैनाती हो गई। दरअसल आयोग ने बंगाल समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को भी हटाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के दौरान इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी अधिकारी जो लंबे समय से राज्यों में तैनात है या उसकी पोस्टिंग ऐसी है जिस पर सवाल खड़े हो सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको हटाया जाएगा। इसी पर अमल करते हुए आज चुनाव आयुक्तों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया जिसमें पश्चिम बंगाल पर बड़ा एक्शन करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने बंगाल के महानिदेशक राजीव कुमार को पद से हटा दिया। इसी के साथ ही मुख्य सचिव को यह आदेश जारी किया गया था कि उन्हें हटा करके नए की पोस्टिंग की जाए, जिसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर नए डीजीपी के रूप में नियुक्ति कर दी गई है। आपको बता दें कि बंगाल के डीजीपी रहे राजीव कुमार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफ़ी भरोसेमंद अफसरों में से एक हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे वक्त पर यह कार्रवाई की है जब पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। बीते दिनों पश्चिम बंगाल में हुए संदेशखली हिंसा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी को हटाया है। राजीव कुमार 27 दिसंबर 2023 को पश्चिम बंगाल के डीजीपी के पद पर नियुक्त हुए थे। बता दें कि बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसी ही कार्रवाई की जा चुकी है, यानी यहाँ का ये ट्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो राजीव कुमार को आज के ज़माने में सूबे के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सबसे करीबी माना जाता है। वो पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के भी पसंदीदा अधिकारी रह चुके हैं। आईपीएस में आने के बाद राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का कैडर मिला। पश्चिम बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ और सीआईडी में भी राजीव कुमार रह चुके हैं। राजीव कुमार मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन आईपीएस में सेलेक्शन होने के बाद उन्हें बंगाल कैडर मिला था। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी करीबी काफ़ी चर्चा में रही है। वो हर बार मुख्यमंत्रियों के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसी भी चर्चा होती है कि वो जांचों में अपने तरीके से जिस तरह से सरकारों को फायदा पहुंचाते हैं उसको लेकर के वो बेहद चर्चित हैं। उनके तरीकों और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में उन्हें महारत हासिल है, इसीलिए वो ममता बनर्जी की नज़रों में आए थे। आपको बता दें कि इससे पहले उनके ऊपर, जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, तब उनके ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने ममता बनर्जी के फ़ोन टैप किए हैं। हालांकि तब बंगाल में दूसरी सरकार थी, यानी टीएमसी की सरकार आने से पहले वहां राजीव तैनात थे। इसके अलावा राजीव कुमार को लेकर के ममता बनर्जी धरना भी दे चुकी हैं, जब सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा था और उन्हें ले जाने के लिए आई थी। इस दौरान कोलकाता के कमिश्नर रह चुके राजीव कुमार के घर के बाहर बैठकर ममता बनर्जी ने धरना दिया था और केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाए थे। ये घटना 2019 की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।